तो ये सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया कि इनके पास एक वाटर, यानी कि इकाइनोडर्मेट्स के पास एक वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, एंड दैट वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज कॉल्ड एज एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है ये अटैच रहता है एक पोरस पलेट के साथ, एंड दैट पोरस पलेट इज कॉल्ड एज मैड्रिपोराइट। इसी मैड्रिपोराइट से वाटर एंट्री करता है, कहां पे वो एंट्री करेगा, इनटू द वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू यहां से छोटा सा यहां पे बनाऊंगा, मैं हम फर्स्ट बनाएंगे स्टार फिश। तो स्टार फिश की अगर हम यहां पे बात करेंगे, इफ इट इज द स्टार फिश हेयर एंड दिस स्टार फिश कंटेन्स हेयर, तो इसके बीच में अगर हम देखेंगे यहां पे, तो बीच में यहां पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम हम यहां पे बनाएंगे। सो दिस इज द वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम हेयर, तो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ये जो ये सर्कुलर यहां पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज रिंग कैनाल, दिस इज कॉल्ड एज रिंग कैनाल। तो दूसरा अगर हम बात करेंगे यहां पे, रिंग कैनाल इज एसोसिएटेड विद दीज लेटरल स्ट्रक्चर्स, विद दीज लेटरल स्ट्रक्चर्स, एंड दीज लेटरल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हियर लेटरल कैनाल्स। सो दीज आर कॉल्ड एज लेटरल कैनाल्स। तो यहां पे ये जो ये स्ट्रक्चर है, दिस ओवल स्ट्रक्चर हेयर, दिस इज कॉल्ड एज रिंग कैनाल, एंड दिस रिंग कैनाल इज एसोसिएटेड विथ हेयर सम लेटरल स्ट्रक्चर्स, एंड दीज लेटरल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लेटरल कैनाल्स। तो ये जो लेटरल कैनाल्स होते हैं, दीज लेटरल कैनाल्स आर एसोसिएटेड विथ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, एंड दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज हेयर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स सो दीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट, विच आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट। तो यहां पे मैं बताऊंगा, ये जो ये ट्यूब फीट होता है, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दिस। तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, दिस वाइड पार्ट जो इसका होता है, दिस वाइड पार्ट इज कॉल्ड एज हियर एम्प्यूला, एंड दिस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद द एम्प्यूला, एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर पोडियम। तो ये ट्यूब फीट जो है, दीज आर द ट्यूब फीट, मैं फिर से बताऊंगा, ये जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, दीज इकाइनोडर्मेट्स कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। अगर हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम को देखेंगे, दिस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए रिंग कैनाल, एंड दिस रिंग कैनाल इज एसोसिएटेड विद द लेटरल कैनाल्स हियर, एसोसिएटेड विद द लेटरल कैनाल्स देयर आर ट्यूब फीट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूब फीट हियर। तो ये जो सारा ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है, ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम अटैच रहेगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ, जो कि रिंग कैनाल के साथ अटैच रहेगा, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड हेयर, एंड दिस कंटेन्स हेयर दी पोर पलेट, एंड दिस पोर पलेट इज कॉल्ड एज मैड्रिपोराइट, जो कि हमने पहले कहा यहां पे जो हमने डिस्कस किया मैड्रिपोराइट। तो यहां पे वाटर जो है वो एंट्री इसमें करेगा, उसके बाद यहां पे आ जाएगा रिंग कैनाल में आ जाएगा, रिंग कैनाल के बाद लेटरल कैनाल्स में आ जाएगा, लेटरल कैनाल्स आर एसोसिएटेड विद द ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट में क्या होगा ये हमने देखना है। व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द एम्प्यूला, जब ये एम्प्यूला में वाटर चला जाएगा उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस एम्प्यूला कंट्रैक्ट्स, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, और वाटर जो यहां पे है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट वाटर मूव्स इनटू द पोडियम। तो ये पोडियम जो है इसमें वाटर आ जाएगा, और जब वाटर आने के साथ साथ इसमें प्रेशर भी इंक्रीज होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड दिस पोडियम पार्ट विल कम आउट ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी के बाहर आ जाएगा। इस स्टार फिश के बॉडी, जो स्टार फिश यहां पे हमने देखा, तो इसकी बॉडी के बाहर आ जाएंगे ये ट्यूब फीट, यानी कि पोडियम वाला हिस्सा, और इसी पोडियम या ट्यूब फीट से
ये लोकोमोशन स्टार्ट करेंगी। तो यही हमने कहा कि इनके पास एक स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ये लोकोमोशन दिखाते हैं, ये चलते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों? बिकॉज इसमें वाटर होता है एंड दैट वाटर डेवलप्स हियर हाइड्रोलिक प्रेशर और उसी हाइड्रोलिक प्रेशर से ये चलते हैं। दिस विल शो द लोकोमोशन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। सो इकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है? उनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैं फिर से कह रहा हूँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसमें रिंग कैनाल होता है। रिंग कैनाल इज एसोसिएटेड विद द लेटरल कैनाल्स एंड ऑल दीज लेटरल कैनाल्स आर एसोसिएटेड विद द ट्यूब फीट एंड दिस ट्यूब फीट कंटेन्स हियर टू पार्ट्स। दीज आर सम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कंटेन्स टू पार्ट्स हियर। वन इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, अनदर वन इज कॉल्ड एज पोडियम। व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द एम्प्यूला इट कंट्रैक्ट्स एंड फाइनली इट विल मूव टूवर्ड्स द पोडियम एंड आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द, अब पोडियम जो है अब इसमें वाटर आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पोडियम है इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी एंड दिस विल शो द लोकोमोशन। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवंथ हेयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज इकाइनोडर्मेट्स आर दैट सेक्सेस आर सेपरेट। तो जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं बट सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। इज एब्सेंट। तो इनमें होता क्या है अगर हम देखेंगे यहां पे, सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म जो है वो टोटली इनमें एब्सेंट रहती है। सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि विच वन इज द मेल और विच वन इज द फीमेल, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, लेकिन सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, डायोशियस ये होंगे। और इसी तरीके से एट्थ वाला अगर हम यहां पे देखेंगे, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल है। और अगर हम एग्जाम्पल्स यहां पे हम कुछ देखेंगे इसमें से, वन एग्जाम्पल दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, दैट इज एस्ट्रियास, दैट्स कॉल्ड एज हियर स्टार फिश, दैट्स कॉल्ड एज स्टार फिश आर इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सी स्टार। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर। सेकेंड एग्जाम्पल इज सी कुकम्बर, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका है कि वो आप ऐसे ही याद रखिए कि दीज विल शो द ऑटोटॉमी। तो ये ऑटोटॉमी एक्चुअली होता क्या है? ऑटोटॉमी में पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल जो है एक प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए अपना कोई बॉडी का पार्ट जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, अलग करता है अपनी बॉडी से। उससे एक प्रेडेटर को लगता है कि अब ये खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो जो कटेड पार्ट होता है वो कटेड पार्ट भी कभी कभी रिजनरेट होता है और नया इंडिविजुअल बनाएगा। सो दैट मीन्स दे हैव हाई रिजनरेशन पावर। सो दिस इज अनदर वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इकाइनोडर्मेट्स हैव हाई रिजनरेशन पावर। सो थैंक यू वेरी मच।